बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाटा एंटर है SPSS में, हमने इसको ओपन किया। अब हम करने लगे हैं, मैं आपके सामने करने लगी हूँ ग्राफ्स, सॉरी ग्राफ्स कह रही हूँ एनालाइज। एनालाइज पे आपने जाना है, आप ये नोट कर लिया करें। इसमें कंपेयर मीन्स पे, कंपेयर मीन्स में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यानी कि दो सैंपल हमारे पास होंगे, टू सैंपल के लिए हम चेक करने जा रहे हैं। जैसे अब टेस्ट वेरिएबल, यहाँ पे हमने ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं करंट इनकम को, करंट इनकम को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। और ग्रुपिंग वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल हमने ठीक है रखना है जेंडर, जेंडर के लिहाज से हम चेक करना चाह रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि करंट इनकम चेक करें, टेस्ट करें मेल फीमेल की, यानी कि मेल की और फीमेल की बराबर है या नहीं, म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू या म्यू वन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू टू, मेल की इनकम बराबर है फीमेल की इनकम के या नहीं है बराबर। तो जब जेंडर हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज थी ना, तो आपने इसको डिफाइन ग्रुप पे क्लिक करना है। अब आपको पता है वन आपने मेल रखा हुआ है, टू आपने फीमेल रखा है, यहाँ पे वन टू करके ओके कर दें, ये वन टू आ गया। ऑप्शंस में आप जाएं तो ये 95% है, इट्स ओके, ओके कर दें। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा ना, यहाँ पे हमने करंट इनकम रखा है और यहाँ पे हमने जेंडर, जेंडर के लिहाज से, यानी कि दो सैंपल हमने जेंडर के लिहाज से उसको कर रहे हैं, चेक करने लगे हैं करंट इनकम को। जस्ट करंट इनकम को हम सेपरेट नहीं कर रहे, जेंडर के लिहाज से ओके। अब देखें ये हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वर्ड में। ये हमने सारी इंटरप्रिटेशन की है किसकी, जो पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग टेस्टिंग हाइपोथेसिस टी टेस्ट, यहाँ पे हम लिख लेंगे वन सैंपल टेस्ट, वन सैंपल टेस्ट। अभी हम अभी हम जो अब आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन टू सैंपल टेस्ट। टू सैंपल टेस्ट, और इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और वहाँ से जो हमारे SPSS के आउट बॉक्स में रिजल्ट्स हैं, कॉपी कर लेते हैं इनको यहाँ पे, ये भी कॉपी कर लेते हैं, और दूसरे रिजल्ट्स हैं ये, कंट्रोल प्लस सी, और ये हमारे पास हो गए। सॉरी, ये कंप्लीट नहीं आए, अगेन इसमें कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा है टेबल, इसको हम यहाँ पे चलो यहाँ से इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसके सिग्निफिकेंट में देखें 0.201 है, और इसका भी सिग्निफिकेंट 0.201। अगर तो ये लेस देन 0.05 होता, यानी कि ये पी वैल्यू है, पी वैल्यू अगर तो लेस देन 0.05 होती तो रिजेक्ट कर देते इस नॉट। ठीक है, ये जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ ना, इफ़ दिस वन, इफ दिस पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.05 देन वी रिजेक्ट इस नॉट, इस वर्डिंग को आप याद रखें पक्का। तो जो भी इस नॉट हमने लिखा हुआ है ना, उसको हमने रिजेक्ट कर देना है। अभी रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी ये ग्रेटर है देन 0.05, तो इसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो इसका मीन मेल फीमेल है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, तो आपने जस्ट इसके ना पहले को यूज़ करना है, इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस ये वाली यूज़ करेंगे, और यहाँ से ये वाली, ये लेवनीज टेस्ट है, और ये हमारे पास टी टेस्ट है। लेवनीज टेस्ट हमारे पास किस सूरत में यूज़ होगा और टी टेस्ट किस सूरत में यूज़ होगा, ये हम मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोनों हम चेक कर लेते हैं, लेवनी टेस्ट भी और टी टेस्ट भी। ये भी देखें 0.05 से बड़ा है, और ये भी बड़ा है, ये टी टेस्ट ना ऊपर हेडिंग है, ये भी बड़ा है, दोनों बड़े हैं। इट मीन्स ये हमने ग्रेटर देन 0.05, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। और ये भी देखें, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया तो है, लेकिन ये थोड़ा
इस फॉर्म में आ रहा है। चलें यहाँ से इसको करके देखते हैं, शायद हो जाए। सॉरी, यहाँ पे ना नया बना लेते हैं, इसको इसको रिमूव कर देते हैं, कट, उधर से कॉपी किया है। अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई इश्यू आ रहा है तो टेबल आप बनाएं एक, ठीक है, उस टेबल में आप जो है ना पुट कर दें। इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, इधर भी वही ऑप्शन आ रही है। तो खैर इसको आप रिड्यूस तो किया जा सकता है, आप इसको ट्राई कर लें। जी, फिलहाल हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन काम है, इंटरप्रिटेशन। जी, इंटरप्रिटेशन में आपने यहाँ पे हाइपोथेसिस सबसे पहले लिखना है। हाइपोथेसिस आप लिखेंगे, मैं सेम यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ऊपर से, बल्कि ये सारा ही हम कॉपी कर लेते हैं। और अब देखें यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसकी इंटरप्रिटेशन। अब देखें यहाँ पे करंट एम्प्लॉयज़ का मेल का मीन ये था, फीमेल का मीन ये था, 47,800, 42,800। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द मीन ऑफ मेल, सॉरी, द मीन करंट इनकम ऑफ मेल इज, जी कितना है, 47,800, और वो है 42,800, 47,800। और सेम वे में द मीन करंट इनकम ऑफ फीमेल इज 42,000, सॉरी 800, 42,800। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पे लिखना है, मीन लिखें, यहाँ से इसको इसका स्टैंड डेविएशन लिखें, यहाँ पे जो उसका स्टैंड डेविएशन है वो चेंज कर लें। यहाँ पे ये यह तो पिछले का लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस में आप लिख लें, इसमें जस्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि म्यू, यहाँ से इंसर्ट में जाके म्यू ले आए, म्यू, और साथ यहाँ पे वन, म्यू वन, म्यू वन इज इक्वल्स टू, अगेन इंसर्ट में जाएं और सिंबल में जाके म्यू टू, म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू, और यहाँ पे आप नॉट इक्वल लिख लें, ठीक है। सेम वे में इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल याद रखें, जो एच नॉट होता है ना उसमें हम इक्वलिटी लिखते हैं, और इसमें नॉट इक्वल, सिंबल्स में नॉट इक्वल। चलें अब यहाँ पे हमने इंटरप्रेट करना है, जो हमने नीचे यहाँ पे इंटरप्रेट किया हुआ है, द पी वैल्यू ऑफ आवर डाटा इज़। अब आप पी वैल्यू यहाँ से देख लें, जो आपकी पी वैल्यू है, लेवनी टेस्ट के अकॉर्डिंग 0.969 है। आप इधर लिखें अकॉर्डिंग टू लेवनी टेस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेवनी टेस्ट पी वैल्यू इज़ 0.969, विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.969,
विच इज़ ग्रेटर देन 0.05, सो वी डू नॉट रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, यानी कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेल और फीमेल की जो इनकम है ना वो बराबर है, ठीक है, इसको हमने वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, इक्वल हैं। और इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो लेवनी टेस्ट था ना, तो ये अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट, जी अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट हम यहाँ पे से दे जाके कहते हैं, ये टी टेस्ट फॉर आर इक्वालिटी ऑफ मीन्स, इसके अकॉर्डिंग हमारा है सिग्निफिकेंस 0.201। तो यहाँ पे द पी वैल्यू इज 0.201, आई थिंक सो ये था, वैल्यू इज दिस वन विच इज ग्रेटर देन पी वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 0.05, सो वी एक्सेप्ट और नल हाइपोथीसिस, हमने इसको नल हाइपोथीसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि जो म्यू वन है वो बराबर है म्यू टू के, ठीक है। आप यहाँ पे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि करंट इनकम ऑफ मेल इज इक्वल टू करंट इनकम ऑफ फीमेल, ठीक है। ये था हमारा टू सैंपल टेस्ट, हमने टू सैंपल टेस्ट किया अकॉर्डिंग टू, इसमें हमने दो सैंपल को टेस्ट किया, करंट इनकम टेस्ट की उसकी मेल और फीमेल की, ठीक है, ये दो सैंपल का टेस्ट है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पेयर्ड टेस्ट, जी।